चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद आक्रामक स्ट्रोक का गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। दो रन जरूर गुड़ेगी, दो रन से ज्यादा कुछ नहीं। किरण तंद्रे की अगर बात करें तो बिल्कुल नॉन स्ट्राइक हैंड पर है, काफी रन दिए थे, अब उनकी जिम्मेदारी है कि आपको एबी स्पोर्ट्स के ऑनर अयुब शेख वेलकम। अयुब आपका हार्दिक स्वागत है सुशांत मुकादम बर्थडे ट्रॉफी 2018 में। एबी स्पोर्ट्स के ऑनर अयुब शेख वेलकम। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक और विकेट का बदम होता हुआ। गणेश जी राउत साहब की तरफ से हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को 1,000 रुपए की इनामी राशि यहां पर दी जाएगी। इस तरीके का सुनहरा संदेश। यस सर, नेक्स्ट मैच राजू स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा वर्सेस अष्टविनायक ओला। कैप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, ताबड़तोड़ आपको टॉस के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास संपर्क साधना है। राजू स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा वर्सेज अष्टविनायक ओला कैप्टन। बिल्कुल स्पॉन्सर की अगर बात करें तो 1 dozen बॉल की स्पॉन्सरशिप एबी स्पोर्ट्स के अयुब जो ऑनर है उनकी तरफ से यहां पर इस प्रतियोगिता में प्रदान किया गया। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, खूबसूरत फील्डिंग, गेंद को फील्ड किया गया मिडविकेट वाइडिश मिडविकेट के क्षेत्र में। रूपेश ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की और अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए। स्पॉन्सर्स की अगर बात करें तो वैभव वोइर जिन्होंने टी शर्ट प्रदान किए हैं मैन ऑफ द मैच के लिए, उनका हम धन्यवाद करते हैं। बॉल के लिए एबी स्पोर्ट्स जिन्होंने 1 dozen बॉल इस प्रतियोगिता को प्रदान किया। अयुब शेख आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। उसी तरीके से निखिल ठाकुर साहब जिन्होंने ट्रॉफी इस सुंदर टूर्नामेंट में सुंदर ट्रॉफी जो प्रदान की है हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सहयोग किया और हमारे जितने भी मेहमान उपस्थित हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए हैं। उसी तरीके जो तमाम दर्शक आए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। चलते हैं, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एफर्ट किया था लेकिन खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, खराब फील्डिंग का नतीजा 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें तो 9 रन स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 9 रन। जीत के लिए 50 रनों का जादुई आंकड़ा छूना है। अगर ये आंकड़ा एमसीसी भी छूती है तो ये अगले दौर में पहुंचने वाली आज की पहली टीम रहेगी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पॉइंट और बिल्कुल कवर के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक। जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता 2 रनों की दौड़ लगी और 2 रन यहां पर लेने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 11 रन। मेमोरी कार्ड से बर्गर ना पापा एमसीसी ए और एमसीसी बी स्पोर्ट्स, आप सभी खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के दिन आप दोनों ही टीमों के लिए एक जेवन की सुविधा की गई है तो दोपहर के वक्त आपके लिए खाना रखा गया है लंच, तो आप कहीं ना जाइएगा, घर पर आपके लिए सुविधा यहीं पे की गई है। एमसीसी ए और बी स्पोर्ट्स चलिए 11 रन हो चुके हैं, एक अच्छी स्टार्ट मिली है, एक अच्छी शुरुआत मिली है। जीत के लिए अभी भी यहां पर रनों की अगर बात करें तो लगभग 39 रन बनाने हैं। गेंदें बची हैं लगभग 18, करो या मरो की स्थिति। इस वक्त किरण थंद्रे की अगर बात करें, किरण थंद्रे इनसे आशा और उम्मीद बहुत होगी टीम को। बिल्कुल आज टीम को सपोर्ट जरूर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे।
इस बार बड़ा हिट करना चाह रहे थे लेकिन सेफ लैंडिंग करती हुई गेंद, दो रनों के लिए दौड़ लगाना चाह रहे, कामयाबी जरूर मिली है और यहां पर तीसरे रन की तैयारी जारी थी और तीसरा रन मुकम्मल करने के जहाज में, अपने विकेट को बचाने के जहाज में नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज चिन्मय अच्छी वापसी करते हुए, किरण थंद्रे इस वक्त टीम का सपोर्ट करते हुए, अगर टीम जीत गई तो उसके बाद हमारा सपोर्ट करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। इसी बीच ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव किया, दो रन के लिए दौड़ लगती हुई, दो रन पूरे किए, तीसरा रन लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से किरण थंद्रे की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़े से थक चुके हैं, बिल्कुल 40 प्लस के आसपास के खिलाड़ी हैं, थोड़ी थकान तो जरूर हुई होगी और काफी कड़क धूप है, लेकिन धूप में दौड़ना भी काफी भारी पड़ता है, हम बाहर से बैठकर बोल तो सकते हैं लेकिन ग्राउंड के अंदर की स्थिति कुछ और है। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, मिस टाइमिंग, स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का बदाम होता हुआ, बिल्कुल झटका लगता हुआ एमसीसी बी की टीम को। अब एमसीसी बी के नए बल्लेबाज इस वक्त विकेटों के बीच में जाते हुए, अभिषेक, अभिषेक न्यू बैट्समैन अभिषेक, किरण सामना करने के लिए तैयार, राहुल का इसी बीच ये गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद लॉन के क्षेत्र में, एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, जीत के लिए 50 रन बनाने हैं, इस वक्त स्कोर 17 रनों पर, गेंदें बची हैं लगभग, गेंदें बची हैं 15, इस बीच ये गेंद, इस बार करण बाहर, गेंद डीप विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार, बड़ा हिट, क्या बात है, जाते ही साथ अपना अकाउंट 6 रनों के साथ खोला है इस बल्लेबाज ने अभिषेक, क्या बात है, स्कोर इस वक्त 23 रनों पर दर्शाता हुआ, राहुल आहिस्ते आहिस्ते महंगे साबित हो रहे हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार गेंद हवा में, दो रन जरूर मिलता हुआ और दो रन मुकम्मल किए, 12 गेंदें शेष और जीत के लिए 25 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 25 रन, हर ओवर में 12.50 की औसत से बल्लेबाजी करनी है, बिल्कुल सुशांत मुकादम साहब की तरफ से सुनहरी संधि, दो गेंदों पर 2 सिक्स, 2 सिक्स अगर कोई भी बल्लेबाज लगाता है अभी से तो उसे 500 रुपए की इनामी राशि यहां पर सुशांत मुकादम जी की तरफ से दी जाएगी। नेक्स्ट मैच राजू स्पोर्ट्स कोलीवाला कैप्टन और अष्ट विनायक ओला कैप्टन, अंतिम और आखिरी बार आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी के रूप में कम ओवरों का सामना खेलना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखें, लास्ट कॉल आपको दिया जा रहा है, राजू स्पोर्ट्स कोलीवाला वर्सेज अष्ट विनायक, कोलीवाला के कैप्टन आ चुके हैं अष्ट विनायक ओला, लास्ट कॉल, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग, शॉट गेंद हवा में और ये कैच जरूर मिलता हुआ, किरण थंद्रे की इनिंग की समाप्ति,
अष्टु विनायक ओला कैप्टन, आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अगर पांच मिनट में आपका कप्तान हमारे तक के नहीं पहुंचा तो ऑपोजिट टीम को टॉस विन दिया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखें। अष्ट विनायक ओला के कैप्टन, अगर आपके कैप्टन पांच मिनट में हमसे संपर्क नहीं साधते हैं तो ऑपोजिट टीम यानी राजू स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा को टॉस विन दिया जाएगा। भाजी बगल अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ललचाती हुई गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस जिसे कहा जाता है, गेंदबाज का प्रमुख हथियार माना जाता है। उस हथियार का उपयोग किया बल्लेबाज अभिषेक को थोड़ा दुविधा में डाल दिया और गेंद डॉट के रूप में। गेंदें बची है लगभग 10 और जीत के लिए 25 रनों की जरूरत। अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज राहुल। इस बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का बदाम होता हुआ। अभिषेक 4 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन की राह लौटते हुए। अमित की अगर बात करें तो दोस्तों देखिए पैर में चोट लगी है लेकिन टीम के लिए जो उनकी मेहनत है क्या वो रंग लाएगी, क्योंकि अमित से आस और उम्मीद जरूर होगी। और अब अभिषेक की जगह जा रहे हैं नए बल्लेबाज। उमेश इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार राहुल अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ये बैटिंग स्ट्रोक और ये गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 4 रन, क्या बात है। चोट लगी है लेकिन हथियार नहीं डाले, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अपनी टीम के लिए किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब मैच का सिचुएशन देखिए, जीत के लिए इस वक्त जरूरत है 21 रनों की, 21 रन्स चाहिए, गेंदे बची है लगभग 8 गेंदे आना शेष और 21 रनों की दरकार। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अब 20 रनों की जरूरत इस मैच को एमसीसी स्पोर्ट्स को जीत में तब्दील करने के लिए। गेंदे बची हैं लगभग 8 गेंदे 20 रन, 2 बड़ा स्ट्रोक मैच की दशा और दिशा बदल सकता है। एक आधा विकेट मैच में वापसी, क्या होगा क्या नहीं। इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद करने की चाहत है, एक और वाइड, इसे कहते हैं दबाव, इसे कहते हैं टेंशन, इसे कहते हैं प्रेशर। ये 2 वाइड गेंदे आगे जाकर महंगी साबित हो सकती हैं, लेकिन सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार अमित पूरी तरीके से। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद डायरेक्ट शरीर में आती हुई, बल्लेबाज ने अपनी बॉडी को सेव किया। एक तो पहले से ऑलरेडी पैर में चोट लगी हुई है, रनों की चाहत जताई लेकिन कोई रन नहीं, गेंद टॉस के रूप में। इस वक्त अच्छी वापसी करवाते हुए गेंदबाज राहुल। इसी बीच ये गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्रंट फुट पर निकल गए थे, बैट का मोटा किनारा लेकर गेंद डिक्लेयर जोन की तरफ, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। और इस एक रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर 32 रन दर्शाता हुआ। अब 6 गेंदे शेष और 6 गेंदों में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत। एज लगने के बाद गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है तो बल्लेबाज डिसाइड कर सकते हैं स्ट्राइक किसको लेना है, ये बैट्समैन चॉइस है, ये चीज ध्यान में रखें।
अष्टविनायक ओला कैप्टन, देखिए सिर्फ दो मिनट दे रहे हैं आपको, अगर आप नहीं आते टॉस के लिए तो ऑपोजिट टीम को डायरेक्ट टॉस विन दिया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखें, वो स्वीकारना होगा, अगर आप नहीं स्वीकारते हैं तो फिर आप इस प्रतियोगिता से बाहर की तरफ हो जाएंगे। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश एक रन तेजी के साथ पूरा किया, खिलाड़ी मौजूद, जब तक लगे गेंद को फील करके थ्रो करते, दो रनों के लिए दौड़ लगी और दो रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। अगर गेंदबाज दो विकेट लेते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि गणेश जी राउत साहब की तरफ से गेंदबाज के लिए रखी गई है। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 35 रनों पर दर्शाता हुआ, जीत के लिए 15 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 15 रन, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं, 5 गेंदे 15 रन, अमित सामना करने के लिए तैयार। इस बार बड़ा शोक करने की चाहत जताई है और ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन, क्या बात है, 4 गेंदे और 11 रन, मैच में रोमांच जारी है, ये है क्रिकेट, इसे कहते हैं क्रिकेट, टसन से भरा क्रिकेट, जोश से भरा क्रिकेट, ये है क्रिकेट। इस बार बड़ा हिट करने की चाहत, गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं और विकेट का बदम होता हुआ। न्यू बैट्समैन सुशील, अरे सुशील सुशील, सुशील न्यू बैट्समैन, टॉस की प्रक्रिया पूरी की जा रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्ञानेश्वर मुकादम सर आपके शुभ हाथों से टॉस यहां पर किया जाएगा। ज्ञानेश्वर सर, 4 ओवर का मुकाबला होगा, 1 ओवर पावर प्ले होगा जिसमें 2 खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर रखना है, 20 मिनट का समय दिया जाएगा मैच की समाप्ति के लिए फील्डिंग यूनिट टीम को, 3 गेंदे 11 रन, 3 गेंदों में 11 रन की जरूरत एमसीसी स्पोर्ट्स डी को। चलिए टॉस की प्रक्रिया यहां पर पूरी की जाएगी, अगली गेंद, इस बार ये गेंद डॉट के रूप में, ज्ञानेश्वर सर टॉस करायचं आपल्याला, तो और 11 रन, तो में 11 रन की जरूरत और ये क्लीन बोल्ड, अपना डिसीजन क्लियर करें प्लीज, टॉस किसने जीता है, ओला फील्डिंग, यस ताबड़तोड़ ग्राउंड का ताबा लेना है मैच की समाप्ति के बाद, ताबड़तोड़ ग्राउंड का ताबा आपको लेना है, ये चीज ध्यान में रखें। अरे 500 रुपए ला छक्के ला, जो गेला 500 रुपए का नो बॉल दे पूरा। नितिन बोर्ड साहब की तरफ से, नितिन पटेल साहब की तरफ से वैभव, अगर आप 1 6 लगाते हैं तो 1000 रुपए की इनामी राशि आपको दी जाएगी, अगर आप चौका लगाते हैं तो 500, अगर गेंद डॉट करते हैं तो फिर आपको 500 देने हैं। लगान तो बाले हैं जब बैठ गए। चलिए इस वक्त दवा की नहीं दुआ की जरूरत, एमसीसीबी और यहां पर विकेट तो और मैच जीत लिया है इस वक्त यहां पर शेंडोबा स्पोर्ट्स की टीम, वेल प्ले विवेक, विवेक आपको यहां पर आना है अपनी इनामी राशि कलेक्ट करने के लिए,
और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, प्लीज वेलकम मिस्टर